तो हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। आज हमारे पास है रेनॉल्ट ट्राइबर। अब रेनॉल्ट ट्राइबर आप पहले भी वीडियो देख चुके हैं, पर वो ब्राउन कलर की थी एंड उसके में मैंने वॉकराउंड एंड वेरिएंट वॉकराउंड एंड ऑल किया था। पर आज की वीडियो में भाई दूसरा मुद्दा ये है, ओनरशिप रिव्यू। अभी गाड़ी है कुछ 15-20 हज़ार किलोमीटर चल गई है और उसके बाद आपको सर्विस का भी रिव्यू देंगे कि सर्विस कॉस्ट कैसे आती है एंड ऑल, उसके बारे में भी जानेंगे एंड ओनर से भी मिलेंगे और पूछेंगे भाई जब ये गाड़ी लेते हैं तो इन्होंने अर्टिगा क्यों नहीं चुना। उनका बेस अर्टिगा का बेस मॉडल बहुत अच्छी चॉइस बनती है इस प्राइस पॉइंट में। तो अब उनसे मिलते हैं और पूछते हैं भाई इन्होंने ट्राइबर को चुना। हेलो रक्षित महेंद्र, हेलो कैसे हैं? बढ़िया। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे भाई, लक्की मेरा निकनेम है। तो बेसिकली अभी आप स्टूडेंट हो, तो अभी आपकी कार की बेसिकली एक नीड क्या थी जब आप कार परचेज कर रहे थे? एक्चुअली कार तो लाइक फैमिली है ना, मेरी कोई एक्चुअली नीड नहीं थी, बट हमारा यही मोइन। आपकी फैमिली में क्या नीड थी जब आप कार परचेज करने निकले थे? ये आपने कौन सी ईयर में परचेज करी है? 2019 अक्टूबर में परचेज। अक्टूबर 2019 में जब आप भाई अपनी जेब में बहुत सारे पैसे लेके निकले थे घर से बाहर गाड़ी लेने के लिए कि भाई एक गाड़ी में डालने मेरे को, तो फिर आपने ट्राइबर को क्यों चुना? हमें लाइक एक थोड़ी सी एमपीवी और एसयूवी टाइप गाड़ी ही चाहिए थी, मतलब थोड़ी बड़ी, लाइक हमारा मेन मोटिव था लाइक बेसिकली आपको 7 सीटर गाड़ी चाहिए थी क्योंकि आपकी फैमिली बड़ी। सबसे मेजर था कि हमें 7 सीटर मिल जाए या 5 सीटर थोड़ी बल्की और टाइप में मिल जाए। बेसिकली 5 सीटर या तो बल्की या फिर 7 सीटर। तो आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही थी उस टाइम पे, ब्रेजा होगी, वेन्यू होगी। कॉम्पैक्ट एसयूवी जितना बजट नहीं था, लाइक स्मॉल में लाइक इतना वो हमें कुछ मिला नहीं। तो हाँ, पर अगर आप ड्राइवर की वैसे बात करें, आपको कॉस्ट आउट कितनी गड़ी थी? इसका अप्रोक्स था 7 लाख और ये सेकंड टॉप मॉडल है भाई। 7 लाख रुपए में इन्हें सेकंड टॉप मॉडल मिल गया था। तो क्या उस वक्त कोई स्पेशल डिस्काउंट थे या गाड़ी की कॉस्ट ही इतनी थी? अक्टूबर में जैसे सबको जनरल पता है कि डिस्काउंट्स वगैरह सब मिल जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, हाई ऑन सेल और ऑफ मिलता है। क्योंकि अभी हार्डली में ही हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड ने परचेज करे सेम मॉडल, तो वो कुछ कॉस्ट आउट उन्हें 8.5 लाख का करा है। ओके हाँ, तो प्राइस तो अब तो सब बढ़ चुका है ना गाड़ियों का और सब कुछ, तो हर एक में इन्फ्लेशन तो आई जाती है, तो अप्रोक्स इतना तो बढ़ेगा। और तो बेसिकली जब आप परचेज करे थे आपकी सिंगल नीड जो कार सेटिस्फाई करी थी वो यही मार्केट में थी? हाँ, एक्चुअली हमें थोड़ी जो सबसे ज्यादा हमारे बिजनेस अप्रोच के हिसाब से लाइक एक स्पेशियस गाड़ी चाहिए, बूट स्पेस चाहिए बेसिकली। हाँ, बूट स्पेस भी चाहिए थी हमें, 7 सीट्स का इतना मेजर नहीं था, हमें एक तरह से बूट चाहिए थी बड़ी। तो भाई तब तो आपने ले ली 2019 में ट्राइबर, पर अब आज से आप इससे परेशान हो या फिर आप इससे सेटिस्फाइड? मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, जो मेरी नीड थी वो पूरी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है भाई। पर लोग तो कहते हैं इंजन बहुत ज्यादा अंडर पावर्ड है 1.2 लीटर का। अगर अब डिमांड के हिसाब से आप देखो, जिस बंदे की नीड है कि मुझे पावरफुल गाड़ी चाहिए, मुझे भगानी है और वो सब कुछ है, तो आप अक्रॉस इस साइड मत जाओ। और आप इससे ऊपर की जो लाइक सबको होता है मारुति सुजुकी अर्टिगा, दैट इज द बेस्ट चॉइस एमपीवी में अब तक के लिए जो बजट मार्केट में है, अर्टिगा ही बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आप लाइक बजट आपका कंस्ट्रेंड है और आपको फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए और सब कुछ लाइक एकदम टॉप हो, तो लाइक यू कैन गो फॉर इट। तो मतलब अगर आपको टॉप फीचर लोटेड गाड़ी चाहिए, पर हाँ। भाई इंजन जब आप चलाते हो तो वाइब्रेशंस भी आपको कैबिन में फील होती है, तो एक्सपीरियंस को थोड़ा हैम्पर नहीं कर सकती? वाइब्रेशंस लाइक इतनी नहीं है, बट लाइक जैसे किसी ने डीजल गाड़ी चलाई हो ना, तो उसको पता चल जाता है कि लाइक उतनी ही वाइब्रेशन है, इतना कोई वो नहीं है कि लाइक वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फील होगी, आप हैम्पर करोगे, आप ड्राइव नहीं कर सकते। और इंजन मैं एक्सेप्ट करता हूँ लाइक अंडर पावर्ड है, बट लाइक आपको कभी फील नहीं होगा कि इंजन में बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है। लाइक हमने 2020 जनवरी में लाइक अक्टूबर में हमने गाड़ी ली थी, तब हम गए थे अमृतसर और तब भी तो ऑफकोर्स नई गाड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऑली लाइक आप समझो वहाँ रोड्स की इतनी दिक्कत कंस्ट्रक्शन हो रही थी और एकदम अपहिल थी, तो वहाँ कोई ड्रॉबैक नहीं था, पूरी मतलब चढ़ी गई आराम से, ज्यादा लोड नहीं देना पड़ा गाड़ी को कि एसी बंद कर रहे हैं। और हम 5 जने थे, 5 जनों के वेट के बाद भी भाई ये उसके बाद भी इसने ऐसी आपको डिसेंट परफॉर्मेंस दी भाई। चलो परफॉर्मेंस तो भाई आप पता क्या होता है, छोटे इंजन में सबसे ज्यादा ड्रॉप है, परफॉर्मेंस निकालने के लिए बंदा ज्यादा एक्सलेट करता है। अब ज्यादा एक्सलेशन करोगे तो माइलेज अपने आप ड्रॉप आती है, तो माइलेज क्या देती है, माइलेज का कैसा? माइलेज इसकी सिटी में 14-15 दे देती है और हाईवे पे अप्रॉक्स 18+ दे देती है। हाईवे पे 18+, हाईवे पे तो डिसेंट इनफ आई जाती है, सिटी में मेजर होता है जो माइलेज, माइलेज का कभी इसमें नहीं लगेगा। सिटी में भी आपको लगेगा जैसे आप बहुत ज्यादा एक्सलेट भी कर रहे हो, तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 13 की एवरेज या 12 की एवरेज आराम से देगी भाई। ठीक है, 7 सीटर गाड़ी के हिसाब से आप 7 सीटर गाड़ी में चल रहे हो, एसी भी चलाया हुआ है, सब कुछ है भाई, उस हिसाब से आपको अगर 12 टू 13 की भी माइलेज मिलती है बहुत डिसेंट माइलेज है। अगर आप लोग ट्राइवर ऑन करते हो, ट्राइवर की आप माइलेज कमेंट सेक्शन में बताना। तो भाई अब बात तो आ गई भाई माइलेज वाइलेज आपसे सब पूछ ली, अब भाई ये गाड़ी की मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस लाइक जब तक हमारी फ्री सर्विस थी तो लाइक ज्यादा कॉस्ट तो हुआ नहीं, अप्रॉक्स लाइक 1000 जो ऑयल चेंजेस। भाई इधर आ जाओ, उधर टिकटॉक बना रहे लोग, कमेंट करेंगे फिर टिकटॉकर्स आ गए अभी। हाँ बताओ भाई क्या मेंटेनेंस का सीजन? लाइक 4 सर्विसेज फ्री होती है, तो इसमें ऑयल का चार्ज लगा था हमारे 1000 to 1500, वो भी नॉमिनल था, कोई ज्यादा नहीं। लाइक अब मैंने इसकी पेड सर्विस कराई थी रिसेंट में विद इन अ वीक,
तो लाइक हमारी एक सर्विस भी मिस हो गई थी बीच में, तो उन्होंने थोड़ा लाइक वो फ्री सर्विस थी तो वो मान नहीं रहे थे, तो हमने थोड़ा बहुत उन्हें मनाया और वो सब कुछ, तो फिर उन्होंने कह दिया ठीक है। मतलब सर्विस का बिल कितना आया भाई? सर्विस का ऑडियंस पे जाना जो आया था 8500 आया था। 8500 इस गाड़ी के लिए? भाई इंजन भी कुछ खास नहीं है, 1.2 लीटर का इंजन है मेरे हिसाब से, पर्सनली बहुत ज्यादा। कितने किलोमीटर वाली सर्विस थी ये? 15000 वाली। 15000 वाली। तो भाई आपको वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के बता रहा हूँ, सर्विस सेंटर वाले एडिशनल चीजें जोड़ते हैं, तो अब उन्होंने भी अननेसेसरी चीजें जोड़ी होंगी, आप बता सकते हो उन्होंने क्या क्या करा? लाइक मेरे को तो लगता है जो मेरा लास्ट रेट आया था डिस्काउंट करने के बाद वो 8000 और नहीं, मेरा लास्ट रेट आया था 7700 ऑफ करके। तो बेसिकली उन्होंने करा क्या क्या था? इंजन ऑयल हो गया आपका, अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, थ्रॉटल क्लीनिंग हो गई, एक एसी क्लीनिंग हो गई, और क्या ब्रेक पैड चेंज नहीं करे, मतलब ब्रेक क्लीनिंग करी जो उसको कहते हैं। भाई इस प्राइस पॉइंट में तो मेरे हिसाब से ब्रेक पैड चेंज भी हो जाते, कोई नहीं वो कोई इशू नहीं है। हमने व्हील कवर एडिशनल जो हमारा टूट गया था वो हमने लगवा लिया, वहाँ हो सकता है 500 या 1000 का था, हाँ 900 का सिंगल व्हील कवर था, तो वहाँ से उस हिसाब से थोड़ा सा अगर हम उसको डिडक्ट करके हम निकालें तो मतलब 6-7000 की आपको सर्विस पड़ी। अप्रॉक्स इतनी है, लाइक हुंडई मारुति आप कहीं भी चले जाओ नॉमिनल रेट हर जगह यही है। मैंने एक दूसरी कार सेकंड हैंड कार भी ऑन करता हूँ ग्रैंड आइटन, उसकी मैंने सर्विस कराई थी बहुत टाइम बाद, उसमें व्हील अलाइनमेंट और बहुत दिक्कत हो गई थी, तो उसकी कॉस्टिंग लाइक एडिशनल नॉमिनल तो वही थी 8000 के अराउंड, लेकिन जो मैंने अब चीजें कराई तो टोटल बिल उसका 14000 हो गया। उस हिसाब से मेरे को नॉमिनल रेट रखता है इसका रेनॉल्ट का। मैं आपके फ्यूचर सर्विसिंग के लिए सजेशन देना चाहूंगा और ऑडियंस को भी जिनको लगता है कि भाई सर्विस 8-10000 कॉमन चीज है। अब भाई जो मेरी क्रेटा की 20000 वाली सर्विस थी, आप सबने वीडियो देखी होगी, उसका बिल कुछ आया था 4-4500। अब भाई आपको सर्विस सेंटर पे क्या कराना है अगर आपको कम बिलिंग बिठानी है अपनी? अगर आपको बिलिंग से कोई इशू नहीं है फिर तो आपको आपके लिए चीज नहीं है, पर अगर आपको कम बिलिंग करनी है, सबसे पहले हुंडई जैसी कंपनी कुछ सिलेक्टेड कंपनी का तो सर्विस कैलकुलेटर आता है ऑनलाइन, जैसे आप आई टेन के लिए अगली बार जाओगे तो मॉडल नंबर डाल के आप सर्विस कैलकुलेटर से चेक कर लेना। सर्विस कॉस्ट मिनिमम ही है, लेकिन जो लेबर चार्ज ये लगाते हैं वो हमेशा एडिशनल हो जाती है। लाइक आप कोई भी अपग्रेड कराओ, मतलब कोई भी चीज नहीं, बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके जो अनएडिशनल लेबर चार्जेस जोड़ते हैं, अनएडिशनल चीजें जोड़ते हैं, वो नहीं जोड़ पाएंगे फिर। एंड नेक्स्ट जो चीज है, अगर आपकी गाड़ी में अगर आपकी कंपनी ऐसे सर्विस कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं करती तो ओनरशिप मैनुअल होती है आपकी कार की, उसमें चेक कर लीजिए कौन कौन सी सर्विस पे कितने कितने इंटरवल पे क्या क्या होना है। ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी राय थी कि भाई सर्विस के बिलिंग में इतना ज्यादा ना प्रीमियम पे करो। तो भाई अब वीडियो के एंड की तरफ आ चुके हैं हम, जानते हैं कि भाई अब जैसे कि आपको 2-3 साल आपके कार ओन करते हुए हो गए, आपने 15-20000 किलोमीटर ड्राइव भी कर लिया, तो अब आपका क्या रिव्यू, मतलब जब अगर आपको आज आपके पास फिर 8 लाख रुपए हो प्राइस सेगमेंट में, हालांकि आप पे है और आप लेने भी जा रहे हो, तो आप क्या फिर इस गाड़ी पे सोचोगे या फिर कोई और? 8 लाख रुपए अगर मेरे पास आज की डेट में है और मेरी जिस हिसाब से नीड होगी तो मैं उस अकॉर्डिंगली लूंगा। लाइक अगर आपकी नीड्स वही है जो उस डेट पे थी, हाँ, तो फिर मैं ट्राइबर की तरफ ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि अर्टिगा अगर मेरी इंजन की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा भगानी है कुछ है, लाइक हाई स्पीड पे बिल्कुल स्टेबल गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फर्स्ट और सेकंड गियर में थोड़ा पावर का लगता है, लाइक आपको और सेफ्टी की भी रेटिंग मेरे को लगी नहीं थी इसमें इतनी अच्छी आएगी, 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है भाई इस कार में। मेजर पॉइंट है आपको बिल्ड क्वालिटी के साथ एक बहुत अच्छी एवरेज मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेफ्टी रेटिंग मुझे लगा नहीं था 4 स्टार, क्योंकि जैसे हम देखते हैं भाई गाड़ी का मटेरियल एंड ऑल, गाड़ी का मटेरियल बिल्कुल है, लाइक आप इंजन उठा के देखो आपको पता चलेगा बिल्कुल हैवी है, दरवाजे भी लाइक यू कैन फील दैट हार्ड पंप। तो भाई ये बिल्कुल एक सेटिस्फाइड ओनर है रेनॉल्ट ट्राइबर के, और यही एक था एक छोटा सा रिव्यू रेनॉल्ट ट्राइबर के बारे में। अब आपके क्या व्यूज है इस कार के बारे में कमेंट में बताना, और आपको कोई एक्सपीरियंस रहा है रेनॉल्ट ट्राइबर के साथ वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई, तो भैया क्या करना है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।